इसको फुलवारी आपका, उसमें कहीं गुलाब का फूल है, कहीं चमेली का फूल है, कहीं जूही का फूल है, कहीं गेंदा का फूल है। जब चारों फूल खिलता है बगिया में, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। अगर एक फूल मुरझा जाता है, टूट जाता है, तो बगिया की सुंदरता कम हो जाती है। भारत रूपी बगिया में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों फूल के समान हैं, और चारों जब खिलेंगे तो उनकी सुंदरता बगिया की बढ़ेगी, और बगिया की जब सुंदरता बढ़ेगी तो उसकी चर्चा सारे विश्व में होगी। हम बताना चाहते हैं, हमारा देश जब आजाद हुआ, उस आजादी की लड़ाई में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों ने मिलकर अपनी कुर्बानियां, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके देश को आजाद करने का काम किया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मेरा सलाम। आप जानते हो क्या, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी की कल्पना थी। जिस समय देश आजादी की जश्न मना था, नवाखाली में, बंगाल में जो झगड़े हुए थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी घर घर घूम करके